Assalamu alaikum guys and welcome back to my channel. This is your boy L&P Records, we live from Spain, live from Seven Seas, and live from Sue, Kurtaze Taze, Spira style day, King Cobra, Sheesh Nag Cobra, 12, 13, 14, 15 mahine takleef dene wala, dang marne wala, piche se marne wala, dang marne wala, chole khake. This was my intro, shintro, lintro, kintro, pintro, niche continue the chain, kintro, pintro. Anyways guys, listen to my video message. कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी अपने चैनल पे L&P Records, जहाँ पे ऑलमोस्ट 200K सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं आपकी दुआ से. ये ऊपर जा रहे हैं और जो जाना चाहते हैं वो जाएं, नो टेंशन. लेकिन हमारा चैनल ही ऐसा है कि यहाँ पे कोई जाता नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आते हैं लोग, क्योंकि राजी मज़े दिए गला दसने ने मैसेजेस, फनी वीडियोज, एवरीथिंग. लेकिन टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग डिफरेंट. मेनू फ्रॉगी के नाम से कुछ व्यूज़ कुछ लाइक्स नहीं चाहिए, शाम इदरीस के नाम से कुछ व्यूज़ कुछ लाइक्स नहीं चाहिए, डकी भाई के नाम से मुझे कुछ व्यूज़ कुछ लाइक्स नहीं चाहिए. डकी भाई का ना कभी जिंदगी सुने है, इन्होंने दिनों सुनया सी जब शाम इदरीस ने पंडी पई है, इस तो बाद मैंने कभी ना उसका नहीं सुना. वो जो करता है रोस्ट पोस्ट गोस्ट शोस्ट लोस्ट प्रोस्ट नोस्ट, जो करता है करता रहे, बेशक मैनू भी करा प्या करा है, कोई टेंशन नहीं है, ऐसी कोई टेंशन नहीं है, दिल पे लेके जाने वाली बात नहीं है. नथिंग सीरियस, कोई बात नहीं है, हंसा मजाक दुनिया हर बंदा करता है. लेकिन रब उस वक्त नाराज़ होता है जब किसी का कोई पर्दाफाश करे या किसी को एक्सपोज करे, रब उसे नाराज़ होता है कि इंसान अल्लाह पाक नू वह बंदा चंगा लगता वे जड़ा एक इंसान दूसरे इंसान का पर्दा रखता वे, अल्लाह पाक उसका पर्दा रखता वे. यह गल ना भुले कि हर एक इंसान के ऐसी छुपियाँ गल ने, सो जो सिर्फ हमारे रब को पता है या तुम्हें पता है या हमें पता है या तुम्हारे अम्मी अबू ने, कुछ ऐसी चीज़ें भी नहीं जो तुम्हारे माँ प्यू ने भी नहीं पता लेकिन तुम्हें पता है और रब को पता है. लेकिन जब तुम किसी को एक्सपोज करोगे, रब हमारा नाराज़ होगा, हमारा रब हमारा अल्लाह पाक हमसे नाराज़ होगा, तो फिर हमें जीने का हमें दिल में सुकून नहीं होगा और वो हमारी नमाज़ें कबूल नहीं होंगी कि उस नमाज़ का की फ़ायदा, उस नमाज़ पढ़ने का की फ़ायदा, नमाज़ पढ़ने तो बाद लोगों को एक्सपोज करना है, सोशल मीडिया आकर लोगों को गालां कढ़ दियां ने. इफ़ यू गोइंग टू बी लाइक एवरीबडी एल्स देन व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन यू एंड एवरीबडी एल्स. कल रात में एक वीडियो बनाई थी, डकी भाई जिंदाबाद, ये है वो है फलाने टिंगे, डकी भाई जिंदाबाद अपनी जगह पे, शाम इदरीस जिंदाबाद अपनी जगह पे, डकी भाई ने जो कहना था उसने कह दिया. एक मिनट गाइस, मेरा वो अपनी कड़ी ठीक करवा. डकी भाई ने जो बोलना था उसने बोल दिया, शाम इदरीस ने जो सुनना था सुन लिया, उसने रिप्लाई करना था जो उसने कर दिया, उसने माफ़ी मांगी. शाम सबसे बड़ी बात इंसान की ये होती है जब एक इंसान दूसरे इंसान से या अपने सोशल मीडिया फैन से, क्योंकि एक आर्टिस्ट का सबसे बड़ा प्यार होता है फैंस, ओला आर्टिस्ट का सबसे बड़ा प्यार होता है सोशल मीडिया पे उसके फैंस, मेरे भी आपके भी लड़कियों के भी जो भी आर्टिस्ट हैं उनका सबसे बड़ा प्यार होता है उनके फैंस. इफ़ यू कैन रिस्पेक्ट योर फैंस, आप सोशल मीडिया पे फेल हो. बेशक आप अपने घर में खा पी रहे हो लेकिन जो आपका सोशल मीडिया पे हाल होता है वो सिर्फ रब ही जानता है या सोशल मीडिया या आप जानते हो. सो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, माय फैंस, माय लवर्स, लोकी देखना चाहते ने तमाशा, एंड आई एम नॉट गोइंग टू ब्रिंग एनी तमाशा. कल रात में एक वीडियो बनाई थी कि 3 घंटे बाद मैं एक फुल इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ. बेसिकली कुछ ऐसे लोग हैं, इसको ज़रा सुनना, कुछ ऐसे लोग हैं बिल्कुल छोटे से जो मेरा नाम लेके फेमस हुए हैं और वो सोचते हैं mistakenly शाम इदरीस का जो मैनेजमेंट है उसने जाके किसी मेरे हेटर्स की वीडियो के नीचे कमेंट किया. शाम इदरीस के जो उसका मैनेजमेंट है, मेरी उससे बात हुई कल जो मैंने वीडियो अपलोड की उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मैं 3 घंटे बाद मैं फुल इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगा. सो आफ्टर दैट वीडियो आई स्पोक टू दैट पर्सन ऑन इंस्टाग्राम, एवरीथिंग वॉज क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह, कोई रोला नहीं सी, कोई रपा नहीं सी, मैंने बात की अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे अच्छे रिस्पांस मिले, अच्छे तरीके से, रिस्पेक्ट से, इज़्ज़त से, जैसे कि मैं आर्टिस्ट हूँ दूसरे लोग भी आर्टिस्ट हैं, मुझसे बड़े भी आर्टिस्ट हैं छोटे भी आर्टिस्ट हैं, लेकिन मैं आज तक ये नहीं देखा कौन वड्डा कौन छोटा है, इज़्ज़त होती है छोटे वड्डे आर्टिस्ट की, चाहे गरीब होवे अमीर होवे, इज़्ज़त होती है इंसान की. एनीवेज शाम इदरीस के मैनेजमेंट ने जाके मेरे हेटर्स, जो सबसे बड़ा मेरा हेटर है चाइल्ड मोलेस्टर, जो यूट्यूब पे चाइल्ड मोलेस्टर है, मैं उसका नाम नहीं मेंशन करना चाहता अपनी वीडियो में, उसका नाम समझ कर लो इतना कि पलीत हो चुका है, इतना कि पलीत हो चुका है कि आजकल सिर्फ उसको लोग उसको भी लीव कर रहे हैं और उसकी वीडियोस को डिसलाइक्स और व्यूज़ नहीं आ रहे.
क्योंकि जब एक इंसान चाइल्ड मोलेस्टिंग करे, पीडोफाइल करे, अब इसका नाम नाम नहीं रहा यूट्यूब पे, इसका नाम शुरू होता है डी आर से और ख़त्म होता है एल से, टट्टल कोई ऐसा का नाम है। लेकिन शाम इदरीस के मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट ने उसके यूट्यूब पे कमेंट किया, हेटर मेरा कुत्ते की तरह खुश हो गया, उसने वीडियो बनाई, हाँ मुझे शाम इदरीस ने रिप्लाई किया, उसने मुझे मैसेज किया। अब जाके देखो अपने चैनल पे, वहाँ पे कोई कमेंट नहीं नज़र आएगा, उसके मैनेजमेंट ने कमेंट डिलीट कर दिया, क्योंकि उसके मैनेजमेंट को और उसको मैंने बताया है कि अगर ये कमेंट आपने वहाँ पे लीव किया, देन यू विल हैव अनदर हेटर एलएनपी। फिर एलएनपी भी डकी को सपोर्ट करेगा अगर आपने मेरे ही हेटर्स को सपोर्ट किया। लेकिन शाम इदरीस को नहीं पता था कि यह लड़का एक पीडोफाइल है, शाम इदरीस को नहीं पता था कि ये लड़का एक चाइल्ड मोलेस्टर है, ये छोटे छोटों बच्चों को देखता है। इसने मेरे बच्चे को तो गाल दी ना, लेकिन सऊदीया में जो बच्चों को पता लगा है, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, ये किस क्यों ये बच्चों को गाली देता है, मैं पैंपर उतार के ये करूँगा वो करूँगा, क्योंकि ये बचपन से इनका ख़ानदानी ये काम है। ये बच्चों के साथ जो छोटे छोटे मुसलमान बच्चे होते हैं या गोरे या काले जिनके बच्चे होते हैं, ये उनके साथ ज़्यादतियाँ करते हैं, ज़्यादतियाँ करते हैं और सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ पहले मेरे नाम से, जब सोचा कि एलएनपी अपने नाम से जवाब नहीं देगा, हम उसको ज़्यादा आग लगाएंगे, हम उसके बच्चे को गाली देंगे, लेकिन इससे पता चलता है कि ये कितने के चाइल्ड मोलेस्टर पीडोफाइल हैं। इनकी वजह से पाकिस्तान में हमारी फूल जैसी छोटी छोटी बच्चियाँ, उनको लोग रेप करते हैं, पीडोफाइल उनके साथ ज़्यादतियाँ करते हैं, चाइल्ड मोलेस्टिंग करते हैं, खड़े खड़े गुट्ठे कॉर्नर में खड़े होकर उनको देखते हैं, स्टेयरिंग करते हैं। दीज काइंड ऑफ पीपल ह्यूमिलिएट पाकिस्तान। जैसे ये लोग वीडियोस बनाते हैं, मैं आपको इसकी क्लिप शो कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं शो करना चाहता सोशल मीडिया के, मुझे शर्म आती है कि कहना कि ये लड़का भी पाकिस्तानी है। इसके माँ बाप ने इसको ये तमीज़ सिखाई है, क्योंकि इसकी भी बहन है, इसकी भी बहन के घर बच्चे हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे मासूम से बच्चे होंगे, अल्लाह पाक उन्हें लंबी ज़िंदगी करे। मासूम अल्लाह ने बच्चे ने फरिश्ते नहीं यार, क्या मैं उनको गाली दूंगा? मर्द वो होता है कि मर्द मर्द तक रखे, बच्चों पे जाने का क्या फ़ायदा या गाली देने का फ़ायदा। एनीवेज जब मैंने शाम इदरीस को फुल स्टोरी बताई, तो शाम इदरीस ने मुझे बोला कि डोंट वरी, आई विल टेल माय मैनेजमेंट टू टेक द कमेंट ऑफ। सो उसने जाके उस पे उसके चैनल से कमेंट रिमूव कर दिया, उसको सपोर्ट करना छोड़ दिया। सो मेरे लिए उसने बहुत बड़ा ये काम किया, क्योंकि मेरे हेटर को जो सपोर्ट करता है वो मेरा हेटर था। सो इसलिए मैंने कल एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने बोला डकी भाई जिंदाबाद, लेकिन जो हकीकत सच में यही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने आज तक डकी भाई को कभी नहीं देखा ना कभी सुना है, लेकिन रब पाक उदी भी लंबी ज़िंदगी करे, जो वो काम करता है करता रहे। लेकिन माँ बहन को ना किसी को गाली दो, मैं अपने आप में भी कह रहे हैं कि मैं भी किसी की बहन माँ को गाली ना कर लगा। शाम इदरीस इज़ अ वेरी गुड गाय, इज़ अ वेरी गुड एंटरटेनर, जो आप लोगों को सच लगता है आप लोग करो। अगर आप लोगों को शाम इदरीस नहीं अच्छा लगता, आप बेशक उसको फॉलो ना करो, आप उसकी वीडियो ना देखो, आप उसको जो आपने करना है करो, और जो उसको सपोर्ट करते हैं उसको सपोर्ट करते रहो, जो मुझे सपोर्ट करते हैं करते रहो, जो उसको सपोर्ट करते हैं करते रहो। अगर मैं दूसरे लोगों नफरत पैदा करना पावा, फिर साढ़े बिच जी गैप नज़र आएगी दुश्मनों, वो उस गैप के अंदर आ जाएंगे, हमारे दुश्मन समझेंगे कि ये देखो जी देखो सारे पाकिस्तानी एक दूसरे दिन खुल रहे हैं, लेट्स टेक द एडवांटेज। So let's all of us get together on YouTube and stick as one Pakistanis, and it's the one blood, it's the one relationship, Pakistan Zindabad, even in the Europe yahan ek Pakistan ka naam hai. So we want to be united, like Sham Idrees says, kisi ko nafrat mat karo, we don't want to be hated from nobody. Ki mainu nahi pata, haan kuch log kehnde ne ji uda page block ho gaya, Sham Idrees ne uska page block karwa diya tha, Raja ji kya aap uska page wapas leke doge, ye hai flana thing hai. Main tonu sachi jista qasam khuda pa ki ek insaan nu dukh lagda ve, hun mera page 570000 hone wala hai, 570000, 5 lakh बहुत बड़ा नंबर है, 570000 मेरे फेसबुक पे और 71,000 फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम आपकी दुआ से। सो अगर मैं लोगों को मेरा को मतलब पेज बंद करावे, हाँ मैंनू दुख लगता है, लेकिन मैनू नहीं पता क्यों बंद होया, की वजह सी, की टेंशन है, लेकिन आई वुड से प्लीज़ टू शाम इदरीस एंड डकी भाई, आप दोनों भाई हो, मुसलमान हो, सो इफ़ यू गाइज रियली वॉन्ट टू फॉरगिव ईच अदर, इफ़ यू गाइज रियली वॉन्ट टू फॉरगिव ईच अदर, प्लीज़ मैं एक एडवाइस बोलूँगा दोनों को भाइयों की तरह। मैं नहीं चाहता कि आप लोग सोशल मीडिया पे लोगों के सामने तमाशा या ड्रामा बन के आओ, बी लव बी पीसफुल टू ईच अदर। एंड शाम इदरीस, अगर आप उसका पेज वापस ले के दे सकते हो,
अगर लेके दे सकते हो प्लीज़ आप उसको पेज वापस दे दो. डकी भाई प्लीज़ फॉरगेट एवरीथिंग, जो हुआ है हुआ. रमज़ान तुम्हें पता है, रमज़ान इज़ कमिंग, इज़ अराउंड द कॉर्नर. उस इंसान का रमज़ान कभी भी शरीफ, रमज़ान मुबारक शरीफ कभी नहीं होता जिस इंसान के अंदर दुख तकलीफ़ और जो इंसान किसी को माफ़ ना करे. उसका रोज़ा कभी नहीं होता जिस जो इंसान किसी को दिल में रख के बैठ जाए कि मैंने इसको माफ़ नहीं करा, ये मेरा दुश्मन है. उसका रोज़ा उसका रोज़े का महीना पूरा नहीं होता. इंसान अच्छा वही होता है, मुसलमान अच्छा वही होता है जेड़ा किसी को माफ़ कर देवे. क्योंकि जिंदगी मौत का कोई पता नहीं, कल बंदा मर जाए तो किसी को बंदा माफ़ ना करे वो बंदा बहुत बुरी तरह मरता है. सो प्लीज़ माई ब्रदर्स, माई सिस्टर, माई फ्रेंड्स, माई लवर्स, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव अ पॉजिटिव मैसेज. मैं इस मैसेज के विच मुझे कुछ नहीं चाहिए, किसी के नाम से कुछ भी नहीं. अल्हम्दुलिल्लाह इनके नाम से पहले मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिल चुके हैं, बहुत सारे व्यूज़ मिल चुके हैं, तो इनके नाम से मुझे क्या मिलना है. आई एम जस्ट ट्राइंग टू ब्रिंग लव एंड पीस बिटवीन एवरीबडी ऑन सोशल मीडिया. अगर मैं भी रोला पाऊँगा, मैं भी गाला कढ़ाऊँगा जी ये है वो है फलाने टींग, तो फिर मेरे दे विच तो उन सारे दे विच की फ़र्क होगा. सो आई एम ट्राइंग टू बी अ डिफरेंट मुस्लिम एंड अ डिफरेंट पार्ट ऑफ अ गेम एंड ट्राइंग टू ब्रिंग दिस गेम फ्रॉम वॉर टू लव. सो पीस आउट गाइज. यार मैंने दी वीडियो है, प्लीज़ गाइज माइंड ना करे कि L&P आप शाम इदरीस को सपोर्ट कर रहे हो, वी हेट यू नाउ. आप रोगी को जिस कर रहे हो सपोर्ट, वी हेट यू नाउ, उसने हिजाब की डिसरिस्पेक्टिंग करी. आप लोग अपनी बहन समझ के उसको माफ़ कर देना. आप जितने भी मुसलमान हो, हम सब गलतियां करते हैं, रोज़ डेली करते हैं गलतियां. वो देखने वालों को भी पता है कि हमने क्या गलती की है. सो अपनी बहन समझ के, अपना भाई समझ के उस लड़की को माफ़ कर देना. अगर आपने, अगर उसने किसी पब्लिक का, आवाम का दिल दिखाया हो, मैं उसकी तरफ से सॉरी मांगता हूँ. अगर शाम इदरीस ने किसी को गलती से या ट्वीट किया हो, उसकी तरफ से मैं माफ़ी चाहता हूँ. अगर डकी भाई की तरफ से शाम इदरीस या फ्रोगी को दुख लगा हो, तो उसकी तरफ से मैं माफ़ी चाहता हूँ. ऑन एंड ऑल्सो टू द पब्लिक, टू द अवाम, थोड़े को मैं माफ़ी मांगना. आई एम सॉरी गाइस, मुझे माफ़ करना, इन सारे की तरफों मैंने माफ़ करना. अपना ख्याल रखे, बी लव, बी पीसफुल, एंड इंशाल्लाह इसके बाद नो मोर वीडियो मैसेजेस. कोई वीडियो मैसेज नहीं आने लगा, सिर्फ फ़नी वीडियोस जैसे मैं डेली बेसिस पे बनाता हूँ अपने फैंस के लिए, ऐसी ऐसी वीडियो आएंगी. दिस इज़ माई लास्ट वीडियो ऑन दिस टॉपिक, नो मोर वीडियोज ऑन दिस टॉपिक. अल्लाह हाफिज़. रमज़ान शरीफ मुबारक टू शाम इदरीस, फ्रोगी, टू डकी भाई. तो सब तो पहले to all my fans, to all my subscribers around the world, Pakistan, India, Sikh, Punjab, United States of America, Australia, Canada, Paris, Amsterdam, yani ke har duniya de bande gutthe gutthe nu Ramzan Sharif Mubarak from L&P Records. Khuda hafiz. Ye video main abhi upload karunga aur jo niche wali video hogi jo maine kal upload ki hai usko main delete kar dunga. Main nahi chahta ke लोकी सोचन के मैं किसी के नाम से व्यू ले रहा हूँ. सो आई विल डिलीट ऑल द वीडियोस जो मैंने उनके नाम से बनाई हैं, क्योंकि मैं वो आर्टिस्ट नहीं हूँ जो किसी की कमाई से मैं बुलंदी पे जाऊँ. मैं अपनी कमाई से, अपनी मेहनत से ऊपर जाना चाहता हूँ, ताकि मुझे सवाद आए, मुझे सुकून मिले मेरे दिल को कि मैंने किसी का नाम लेके मैं ऊपर नहीं गया. मैं ऊपर गया हूँ तो अपनी मेहनत से, अपने प्यार से, अपनी चाहत से, अपनी हिम्मत से. अगर आप लोगों में भी हिम्मत है, डोंट यूज़ माई नेम, अपना टैलेंट शो करके ऊपर आओ. खुदा हाफिज़. एंड प्लीज़ गाइज, अपने, दिस इज़ अ वार्निंग मैसेज, ये है वार्निंग मैसेज, ये शॉर्ट वार्निंग मैसेज एंड पे. अपने बच्चों की हिफाजत करना, अपने बच्चों की कोई भी वीडियो क्लिप, कोई भी फोटो अपलोड ना करना. किसी इंसान नहीं चाहता कि अपने बच्चे की फोटो अपलोड कर रहा है. हर एक बंदा अपने बच्चे के नाल प्यार करता है, उसका दिल करता है कि मैं फोटो छिक के फेसबुक पर लावां दुनिया तक के साडे बच्चे के नाल. लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी नज़र, जिनका दिमाग बहुत गंदा हो चुका है. ये कुछ लोग सऊदीया के रहने वाले, कुछ लोग नहीं, एक ही है गंदा रहने वाला वहाँ का शख्स जो पीडोफाइल है, मोलेस्टर.